नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से एरर फ्री GST रिटर्न किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ वो प्रैक्टिकली बातें शेयर करने वाले हैं भी। जब हम किसी भी कंपनी की टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हमें अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त, लेजर क्रिएट करते वक्त, स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिससे कि हमारी जो GST की रिपोर्ट, यानी कि GST की जो रिटर्न है हमारी, GST R1 है, GST R3 भी है, या फिर एनुअल रिटर्न की हम बात करें, तो वो हमारी बिल्कुल एरर फ्री, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारा डाटा सही जाए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, चाहे आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या इसके अलावा कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, लेकिन हमें अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त और लेजर क्रिएट करते वक्त कुछ सावधानियां हमें सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, हम स्टेप टू स्टेप बात करेंगे भी किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, और आपके साथ हम इस वीडियो के अंदर GST रिपोर्ट्स को बिल्कुल एक्यूरेट किस तरीके से मिलान करना होता है, किस तरीके की एरर आ सकती है, तो किस उसको एरर को हम किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। जो फर्स्ट पॉइंट है GST एरर फ्री तैयार करने के लिए, भी आपको, चाहे आपका वो कस्टमर है चाहे वो आपका सप्लायर है, आपको GST नंबर प्रॉपर सही तरीके से उसको मेंटेन करना है। किस तरीके से भी, जैसे कि हम लेजर क्रिएट हम करते हैं, लेजर पे जाते हैं, जैसा कि हमने कोई पार्टी का नाम है हम यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे वो हमारा सैलरी क्रेडिटर है चाहे वो सैलरी डेबिटर है, तो उसके बाद बात आती है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर GST की। तो यहाँ पर जो GST नंबर है वो आपको प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन करने, आप उसको एक बार सर्च भी कर सकते हो कि प्रॉपर वो रेगुलर में है या एक्टिव है या डिसएक्टिव है, तो सब कुछ आपको मेंटेन करना है। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं भी, जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो स्टॉक आइटम के अंदर उस स्टॉक आइटम का डिस्क्रिप्शन, उसका HSN कोड और उसका जो स्टॉक टैक्स रेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कहाँ पर देखने को मिलेगा, जब हम गेटवे टैली पर जाके और स्टॉक आइटम पर हम जाते हैं, तो अब जब हम स्टॉक आइटम का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, उसका ग्रुप हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यूनिट हम डाल देते हैं, देन GST की डिटेल की बात आती है, तो यहाँ पर HSN और की जो डिटेल आती है डिस्क्रिप्शन की और HSN कोड इसका, तो ये आपको प्रॉपर मेंटेन करना होता है। और उसके बाद के अंदर आपको यहाँ पर इसका टैक्स रेट, कई बार क्या होता है प्रोडक्ट होता है टैक्स फ्री, हम सोचते हैं भाई चलो टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें यहाँ पर टैक्स एबिलिटी के अंदर कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका प्रोडक्ट टैक्स फ्री है तो यहाँ पर आपको एग्जम्प्ट देना जरूरी है, अगर आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो आपको यहाँ पर टैक्सेबल तो देना ही देना है, और उसके साथ में आपको उसका जो प्रॉपर टैक्स रेट है वो भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी GST रिटर्न सही नहीं मैच होगी। पॉइंट नंबर हम तीन की बात करें तो प्रॉपरली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट इन परचेज एंड सेल लेजर, यानी कि जब हम टेली सॉफ्टवेयर में किसी भी ट्रांजेक्शन वाउचर की जब हम एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आपको कुछ प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं, जैसा कि हमारे पास आ गया ये सेल वाउचर है, केस वाउचर की हम एंट्री करते हैं और उसके बाद के अंदर एंट्री पास करते हैं, तो आपने देखा होगा ये टैक्स क्लासिफिकेशन के अंदर ये डिटेल हमारे से पूछता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का जो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, इस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर आपको प्रॉपर वो ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है, भी आपकी जो सेल है वो टैक्सेबल है, सेल एग्जेम्प्ट है या इंटरस्टेट टैक्सेबल है, या इंटरस्टेट टैक्सेबल वो एग्जेम्प्ट है, किस टाइप की सेल है, तो ये भी आपको यहाँ से प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप जब भी सेल वाउचर की एंट्री करते हो या परचेज वाउचर की एंट्री करते हो और ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है, तो आपको करना क्या होगा, सेल और परचेज वाउचर पे रहते हुए आपको F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद में ये ऑप्शन आपके सामने आएगा GST डिटेल में, भी मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST, तो ये ऑप्शन आपके पास नो रहेगा, तो इसको आपको यस कर लेना है। जैसे हम इसको यस कर लेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास लेजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसा कि सेल टैक्सेबल है तो आपको सेल टैक्सेबल यहाँ पर कर लेना है, आउट ऑफ स्टेट की है तो आपको इंटरस्टेट टैक्सेबल करना पड़ेगा अगर वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो, और देन उसके बाद हम
एक्सेप्ट करते हैं। तो सेम प्रोसेस आपके लिए परचेज एंट्री का पास करते हुए रखना पड़ेगा और सेम प्रोसेस आपको सेल वाउचर की एंट्री पास करते हुए भी रखना पड़ेगा। और उसके बाद में एक्सपेंसेस लेजर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जब भी हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं एक्सपेंसेस के लेजर होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट किया शॉप एक्सपेंसेस के नाम से और उसका ग्रुप हमने दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जबकि हमें पता है भी शॉप एक्सपेंसेस ये जो लेजर है इसमें हमें जीएसटी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जल्दबाजी के अंदर हम क्या करते हैं इसको जो इस जीएसटी एप्लीकेबल है इसको एप्लीकेबल छोड़ देते हैं और इंटर पास करते हुए इस लेजर को हम एंट्री भी पास कर देते हैं, लेजर भी क्रिएट हो जाता है और एंट्री भी हम पास कर देते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा लेजर, ऐसा कोई एक्सपेंसेस लेजर है जो कि जीएसटी की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, तो यहाँ से आपको उसको नॉट एप्लीकेबल जरूर करना है, आपको अनडिफाइंडेड नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर उसके ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, कुछ ऐसा खर्च है, तो ही आपको एप्लीकेबल करना है, अदरवाइज आप उसको नॉट एप्लीकेबल ही रखोगे, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर बात करें हम 5 की, तो जीएसटी सेल समरी चेक विद सेल डाटा ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जीएसटी सेल समरी का मतलब क्या हो गया, भी जो हमारी आज तक यानी कि जिस मंथ की आप रिटर्न तैयार कर रहे हो जीएसटी R1 जीएसटी R3 भी, तो उस मंथ की आपको एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में जाके सेल जरूर चेक कर लेना भी टोटल सेल आपकी कितनी हुई है। अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएंगे। अब मान लीजिए जैसा कि हमारे पास ये पीरियड आ रहा है 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 का, चलो मान लीजिए हमने इसी मंथ का ये पीरियड का डाटा हम तैयार कर रहे हैं, तो एल्ट ऑफ डिटेल के साथ देखते हैं तो हमारे पास जो सेल है जीएसटी 18% की वो 31,266 रुपये की आ रही है। तो अब हम GSTR 1 को ओपन करते हैं, जीएसटी डिटेल को देखने के लिए डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट और GSTR 1 को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें वो पीरियड एक बार दे देते हैं जिस मंथ की या जिस क्वार्टर की जिस मंथ की आप रिटर्न तैयार करें, वो पीरियड आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। तो जैसा कि हमारे पास पूरा साल का डाटा हमने देखा था, एक बार यहाँ पर ही हम उसको डाटा को चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर भी देख रहे हो टोटल ट्रांजेक्शन हमारी B2C की ही है और टोटल सेल जो हमारी वो है 31,266 रुपये की और यहाँ पर भी इसका जो टोटल 31,266 रुपये भी आ रहा है। अब इस रिटर्न को हम एक बार GST 3B के अंदर भी चेक करेंगे, तो अब यहाँ पर भी देख सकते हो 31,266 रुपये की सेल हमारे पास आ रही है। तो यानी कि GSTR 1 की सेल और GSTR 3B की सेल और जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो सेल आ रही है वो बिल्कुल मैच हो रही है। अब हम GSTR 1 पे वापस चलते हैं, पीरियड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम चलते हैं HSN समरी पे। अब HSN समरी पे जब हम इंटरप्रेस करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारे पास जो टैक्सेबल सेल आ रही है वो 27,666 रुपये ही आ रही है, जबकि अगर हम मेन रिपोर्ट की बात करें तो 31,266 रुपये की जो सेल है वो आनी चाहिए HSN समरी के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर 27,666 रुपये की आ रही है। तो ये जो सेल है ये भी आपके GSTR का जो टोटल सेल आपका B2C और B2B का टोटल सेल के साथ मैच होना चाहिए। अब इसका मतलब HSN समरी आपकी बिल्कुल सही नहीं बनी है। तो HSN समरी की डिटेल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी स्टॉक आइटम को एक बार देखना पड़ेगा भी किन किन स्टॉक आइटम के ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, स्टॉक आइटम के अंदर हमने HSN कोड नहीं डाला, तो उस आइटम को हम देखेंगे। जैसे अभी हमारे पास स्टॉक आइटम बहुत कम है तो हम एक बार देख लेते हैं, यस करेंगे इसको, यस करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने टैक्स रेट तो डाल दिया लेकिन HSN कोड वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, तो इसकी वजह से वहाँ पर आपकी सेल है जो काउंट नहीं करेगा HSN समरी के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिख दिया कीबोर्ड और HSN कोड जैसे 12345 मैंने एक बार इसको दे दिया और एक्सेप्ट कर दिया, इंटरफेस करते हुए एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में स्टॉक आइटम देखेंगे हम, अभी स्टॉक आइटम के अंदर बिल्कुल हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन भी है, HSN कोड भी है। तीसरी आइटम भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल टैक्स रेट है, डिस्क्रिप्शन भी है, HSN कोड भी है। और नेक्स्ट आइटम हम देखते जाएंगे, यहाँ पर भी HSN कोड है, टैक्स रेट भी है, सब कुछ मेंटेन है। तो इस तरीके से आपको हर स्टॉक आइटम के ऊपर वो डाटा आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। अब बिल्कुल सारा डाटा हमारा ओके हो चुका है, तो अब हम एक बार वापस GSTR 1 पर जाके देखते हैं, डिस्प्ले GST रिपोर्ट GSTR 1। तो अभी देख रहे हो सेल पे कोई भी डाटा हमारा फ़र्क नहीं पड़ा, 31,266 रुपये की है। और HSN समरी पे हम जाके देखेंगे तो अब आप देख सकते हो भी 31,266 रुपये की अभी हमारी HSN के अंदर भी सेल की समरी हमारी टोटल सेल टैक्सेबल सेल के साथ है जो मैच हो रही है। तो इस तरीके से हम टोटल डिटेल
HSN सब कुछ अगर मेंटेन करेंगे तो ही हमारा डाटा बिल्कुल एरर फ्री जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं भी, चेक अनसर्टेन ट्रांजेक्शन एरर GST के लिए, यानी कि जब हम GST रिटर्न तैयार करते हैं तो आपके ने देखा चाहे 3B आप तैयार कर रहे हो, चाहे GSTR1 आप तैयार कर रहे हो, तो ये ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन का जो एरर है ये यहाँ पर जीरो ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है 2 है 3 है तो इसका मतलब वो उतने टाइप की आपके बुक्स के अंदर यानी कि आपकी रिटर्न के अंदर वो एरर शो करेगा। अब एरर किसी भी टाइप की हो सकती है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसका GST नंबर आपने सही नहीं दिया हो, जैसा कि हम इस पे टोटल पे चलते हैं सारी रेगुलर। अब मान लीजिए इसको हम एक पार्टी को हम यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देते हैं, फिर देखते हैं इस पे कितना फर्क पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे रेगुलर कर दिया और GST नंबर आपने डाला ही नहीं है, वापस हम जाके देखेंगे तो अब आपकी डिटेल देखो टोटल सेल आपकी कितनी होगी, इसको टोटल पीरियड हम ओपन कर लेंगे 17,436 रुपये की, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आगे 6। अब 6 एरर पे जब आप आके एंटर प्रेस हम करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल नोट प्रोवाइड, इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखा देगा भी ये जो आपकी पार्टी है ABC ट्रेडिंग कंपनी और इसमें टाइप ऑफ जो एग्जम्पशंस की जो डिटेल आ रही है यानी कि एरर है वो GST यूनिवर नोट, मतलब आपने स्पेसिफाइड नहीं किया यानी कि इनवैलिड आपका जो GST नंबर है, या तो GST नंबर आपने गलत डाला है या फिर डाला ही नहीं है। तो इसकी डिटेल के लिए जैसे हम GST नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे GST नंबर